जी महिलाओं को 2 लाख बहुत महत्वपूर्ण बात है, हमारे गोंडा के लिए गर्व की चीज, सम्मान की बात है कि यहाँ पे तुलसीदास जी का यहाँ पे जन्मस्थली मौजूद है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तन्यूज इंडिया 24। मैं आपके साथ रोहन सोनकर। खबर गोंडा से है, जहां भाजपा सांसद कीर्तिवर्धन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जगह बजट पर सांसद ने पत्रकारों से की चर्चा। गोस्वामी तुलसीदास पर बोले सांसद तुलसीदास का, गोंडा में हुआ था जन्म, गोंडा के लिए ये है गौरव की बात, सरकार और साहित्यकारों की मदद के सामने लाएंगे तथ्य, जन्मस्थली को लेकर लोकसभा में उठाएंगे मुद्दा। सांसद बोले पैटर्न स्थल के रूप में विकसित करने की करेंगे मांग। तुलसी पर बयान देने वाले ढूंढ रहे हैं राजनीतिक असी तत्व। 2023 के बजट आगमी 20 से 25 सालों के लिए लोगों में सरकार के प्रति बढ़ा है भरोसा। पहले लोग पलायन करते थे, अब अपने घर में रोजगार। सांसद कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा मोदी सरकार में सुधरी है भारत की वैश्विक स्थिति। गोंडावासी होने के वजह से और गोंडा के सांसद होने के वजह से क्या आने वाले दिन में सांसद हमारे ये मान उठाएंगे कि तुलसीदास जी गोंडा में पैदा हुए थे? न किसी किताब में उल्लेख है, हर जगह चित्रकूट का राजापुर है, जबकि तुलसीदास जी यही पैदा हुए थे। तो आने वाले दिन में आप एक आंदोलन छेड़ेंगे या इस तरह की कोई मांग करेंगे? ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, हमारे गोंडा के लिए गर्व की चीज, सम्मान की बात है कि यहाँ पे तुलसीदास जी का यहाँ पे जन्मस्थली मौजूद है। हम लोग ये मानते हैं कि तुलसीदास जी गोंडा में ही पैदा हुए थे, उनका यहीं पे जन्म हुआ था। हमें इनमें साहित्यकारों की भी मदद लेनी पड़ेगी और इसको ये प्रदेश ये प्रशासन से भी हम बात करेंगे और इसको लेकर के जितने भी तथ्य हैं, जितने भी इसके फैक्ट्स हैं, उसको सामना लाने की कोशिश की जाएगी। तो क्या आने वाले दिन में आप सदन में ये मांग उठाएंगे कि किताबों में भी इन चीजों का उल्लेख हो? जरूर 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 उठाएंगे। एक लाइन में बता, ये बहुत जरूरी, इसको जरूर उठाएंगे, आने वाले ही सदन में उठाएंगे। तुलसीदास जी की जन्मस्थली के बारे में जो यहाँ पे सवाल है उसको स्पष्ट करना जरूरी है। उनकी जन्मस्थली गोंडा है, ये स्पष्ट होना जरूरी है। उसके साथ साथ उसको एक मुख्य पर्यटक स्थल के रूप में उसको विकसित करने की मांग मैं उठाऊंगा। इस बजट में अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की समस्या पर विशेष ध्यान रखा गया है। जो हम लोगों का कैपिटल एक्सपेंडिचर 10 लाख करोड़ रुपए बढ़ाया गया है, जिसमें खास तौर से जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर काम पे जो पैसा जाएगा, इससे बहुत बड़ा बढ़ावा मिलेगा हमारे छोटे छोटे जो हमारे बिजनेसमैन हैं उनको, हमारे मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज को। उसके साथ साथ रोजगार भी का बहुत बड़ा एक तरीका मिल जाएगा हमारे नौजवानों को। और रोजगार को लेकर जो हमारे रेलवेज में भी जो बढ़ोतरी की गई है बजट में, उससे भी उसका एक बहुत बड़ा फायदा बेरोजगारी की समस्या को खत्म करने में लगेगा। गोंडा से ओमचंद शर्मा की